वो जो कंसल्टेंट और एजेंट लेते हैं वो अपनी फीस लेते हैं, वो वर्क वीजा की फीस नहीं होती। आप अपनी कंट्री से खुद जो है वो वीजा अप्लाई करें, सिर्फ आपको वीजा फीस के साथ वर्क वीजा अप्लाई करना होता है। हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज बात करेंगे जब आप किसी भी कंट्री का वर्क वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर कितना खर्चा आ सकता है। ये क्वेश्चन 1000 लोग मुझसे पूछते हैं और आज उसके हवाले से मैं आप सबको ये आंसर देना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा वॉच करना ताकि आपको पता चल सके कि वर्क वीज़ा के ऊपर कितना खर्चा आता है और ये वर्क वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है, क्योंकि जब तक आपको इसके प्रोसेस का नहीं पता चलेगा, उसके स्टेप्स का, तो देन आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसके ऊपर खर्चा कितना आता है। क्योंकि हम तो एक चीज किसी भी एजेंट या किसी कंसल्टेंट से बाय कर लेते हैं, तभी आपको पता चलता है कि वो कितने लाख आपसे ले रहा है, तो आप वो चीज दे के और आपको वो एक लेटर या जो भी व्हाटएवर वो आपको दे देता है, तो उसके ऊपर आपका वीजा नहीं होता। कोई भी एजेंट या कोई भी कंसल्टेंट आपको वर्क वीजा सेल नहीं कर सकता, ये आप अपने माइंड में रखें। साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी और का भी भला हो सके। जिस किसी को नहीं पता कि वर्क वीजा के ऊपर कितना खर्चा आता है तो उसको भी पता चल सके आपकी शेयर की हुई वीडियो से। अगर आप वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या यूरोप की किसी कंट्री का, तो सबसे पहले आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए। बिना जॉब ऑफर लेटर के कोई भी वर्क वीजा अप्लाई नहीं हो सकता। जब तक आपके पास जॉब लेटर नहीं होगा तो उसके बाद ही जो एम्प्लॉयड या कंपनी होगी वो आपको अप्रूवल करवा के देगी उस कंट्री की इमिग्रेशन से। तो उसके बाद वो लेटर जब आपको आएगा, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, तो देन आप वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या जॉब ऑफर लेटर के कोई पैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप ऑनलाइन जाके जिस भी कंट्री के लिए आप जॉब फाइंड कर रहे हैं या जो भी आपका स्किल है उसके मुताबिक आप जॉब फाइंड करेंगे। वो कंपनी या वो एम्प्लॉयड आपको जॉब ऑफर देगा। जो भी कंपनी या एम्प्लॉयड होगा, अगर उसको लगे कि आपका स्किल सही है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एजुकेशन है, वो आपको एक ऑफर लेटर सेंड करेगा कि यस, मैं आपसे इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, और फिर आपका और उसका एक एग्रीमेंट होगा। देन वो आपको एक ऑफिशियल ऑफर लेटर दे देगा। देन आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा। उसके बाद वो अपनी जो कंट्री की इमिग्रेशन है उनसे अप्रूवल लेगा कि ये पर्सन मुझे चाहिए अपनी कंट्री में, तो देन वो अप्रूवल लेटर भी आपको अगेन से आपकी कंट्री में सेंड करेगा। तो इट्स मीन ये प्रोसेस भी आपका फ्री होगा। एम्प्लॉयड या कंपनी आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा। फर्स्ट, आपका जॉब ऑफर लेटर भी आपको फ्री में मिल गया है। सेकंड, आपको अप्रूवल लेटर भी फ्री में मिल गया है। अब नंबर थर्ड पे आता है कि आपने वीजा अप्लाई करना है जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं। अब वहां से जब आप अपनी एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि कंपनी एक ही बंदे को जॉब ऑफर देती है, जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा होगा उसको सिर्फ वीजा फीस पे करनी है उस कंट्री में। अगर आप अपनी फैमिली के साथ एप्लीकेशन कर रहे हैं तो देन जो फैमिली की एप्लीकेशन होगी, चाहे आपके पार्टनर है या बच्चे हैं, उनकी फीस भी आपको ही पे करनी होगी। वीजा फीस जो है वो कंपनी या एम्प्लॉयड पे नहीं करता, लेकिन वो बेसिक फीस होती है। कुछ कंट्रीज के लिए 150 से लेके $200 तक होती है। मींस के ज्यादा फीस इसके लिए नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ ही फीस पे करनी होती है। अगर आपका वीजा लग जाता है या आपकी फैमिली का भी साथ में लग जाता है, जो टिकट होती है वो आपको बाय करनी होती है। मोस्ट ऑफ कंपनी जो है वो पे कर देती है टिकट, लेकिन सिर्फ उसी को पे करेंगी जिसको उसने जॉब ऑफर दी थी। आपकी पूरी फैमिली की वो टिकट पे नहीं करती, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब की टिकट कितने की मिलेगी डिपेंड करता है किस कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं और कहाँ आपने जाना है, उसकी डेस्टिनेशन कौन सी है, तो उस हिसाब से टिकट जो है वो आपको बाय करनी होती है। अगर नॉर्मली इसको हम देखें तो $500 से $600 जो है इसके ऊपर कॉस्ट आती है। तो अगर वीज़ा फीस को भी मिला के और टिकट को भी मिला लें तो ये जो एक पर्सन का खर्चा है $800 से $900 जो है वो आता है। तो यही इसका ऑलमोस्ट खर्चा होता है। हाँ, कुछ पेपर अगर आप अपने पाकिस्तान में या फिर किसी भी और कंट्री में रेडी करवा रहे होते हैं, उसके ऊपर जो कुछ हज़ार खर्चा आता है वो एक अलग है, या कहीं से आप पेपर को तस्दीक करवा रहे हैं या कहीं से आप किसी से प्रिंट करवा रहे हैं या कॉपीज करवा रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट खर्चा होता है, लेकिन वो इतनी अमाउंट में नहीं आता। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्क वीज़ा के ऊपर कितना खर्चा आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को इसके ऊपर डाउट होता है कि इतना हमारा खर्चा आएगा या इतना हमसे कोई एजेंट या कंसल्टेंट ले लेगा। वो जो कंसल्टेंट और एजेंट लेते हैं वो अपनी फीस लेते हैं, वो वर्क वीज़ा की फीस नहीं होती। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप खुद जो है वो ऑनलाइन जाके जॉब अप्लाई करें, फ्री है, वो कंपनी या एम्प्लॉयड फ्री आपको अप्रूवल करवा के देगा, उसके बाद वो लेटर आ जाएगा, तो देन आप अपनी कंट्री से खुद जो है वो वीज़ा अप्लाई करें। सिर्फ आपको वीज़ा फीस के साथ वर्क वीज़ा अप्लाई करना होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी और का भी भला हो जाए।